हेलो लर्नर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज मी तुलिका फ्रॉम टेस्ट बुक सुपर कोचिंग और आज हम एक क्विक रिविजन करेंगे अबाउट दी स्टेप्स विच आर यूज इन अ रिसर्च। सो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम रिसर्च में यूज करते हैं और उसका सही ऑर्डर क्या है। सबसे पहले डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सो ये एक ऐसा स्टेज है जहां आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं जिस पर आपने रिसर्च करनी है। सेकेंड स्टेज इज रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। अब जब आपने अपने रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन कर लिया, कच्चा पक्का डिफाइन कर लिया, बाद में ऑल्दो उसको हम मॉडिफाई करते हैं, तब हम करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। दैट मीन्स वी नीड टू स्टडी एंड गो थ्रू रिलेटेड लिटरेचर, मिलता जुलता लिटरेचर को हम रिव्यू करते हैं। थर्ड स्टेज कम्स दी हाइपोथेसिस मेकिंग। दैट मीन्स इस स्टेज पर अगर आपकी रिसर्च ऐसी है जिसमें आपको हाइपोथेसिस बनाना और उसे टेस्ट करना है, तो आप अपना यहाँ पे हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बाद आप अपना रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं कि आपकी ये जो रिसर्च है उसे आप किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। फॉलोड बाय दैट इज डेटा कलेक्शन। डेटा को आप कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और अपनी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करते हैं, जिसको हम डिस्कशन सेगमेंट में डालते हैं। अगर आप ये एक पेपर के फॉर्म में रेडी कर रहे हैं तो इसके बाद आप अपना रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी को ऐड करते हैं। सो ये बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें कोई भी किसी भी रिसर्च के लिए फॉलो करनी होती है। आई होप दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन वॉज यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।